नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हथेली पर बने चांद के बारे में। यह हथेली पर बना चांद बताता है आपके कई गुप्त राज। आइए जानते हैं अधूरे चांद की पूरी कहानी। हस्तरेखा विज्ञान में लोगों की हाथों की रेखाएं देखकर उनके स्वभाव के बारे में कई बातों का पता चलता है। आपने दोनों हथेलियों को जोड़कर उस पर बने चांद को जरूर देखा होगा। किसी की हथेली पर पूरा चांद बना हुआ दिखाई देता है तो किसी को अधूरा। दोनों हाथों की हथेली को आपस में मिलाने पर बनने वाला आधा चांद कई मामलों में शुभ माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार आधा चांद बनना एक शुभ चिन्ह माना जाता है और इससे हमारे जीवन में काफी लाभ मिलता है। हथेली पर बने चांद के कई अर्थ होते हैं जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इनका अलग अलग मतलब होता है। अगर आप अपनी हथेली को जोड़े और उसमें आपको चांद बनता नजर आए तो कहते हैं कि उस जातक को सुंदर पति या पत्नी मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है हाथ में मौजूद अधूरे चांद का क्या मतलब होता है? हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार हथेलियों में बनी रेखाएं व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बता देती हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम यह बताने वाले हैं कि हथेलियों में बनने वाले आधे चांद का क्या मतलब होता है और इस निशान से क्या क्या मालूम होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार इस चांद को पहचानने में लोग गलती भी कर जाते हैं। दरअसल यह चांद आपके हाथ के बुध पर्वत के नीचे कोने से शुरू होकर गुरु और शनि पर्वत के बीच में समाहित होकर यहाँ अंत तक जाए तो ही ये अर्धचंद्र अपना पूरा परिणाम देता है और यही चंद्र मान्य भी है। लेकिन कई बार लोग इस रेखा के शनि गुरु पर्वत से पहले ही समाप्त होने के बावजूद इसे आधा चंद्रमा मानने लगते हैं, जो हथेली पर आधे चंद्रमा का पूरा परिणाम कभी नहीं देता। आधा चांद कैसे बनता है आइए जानते हैं। हथेली में हृदय रेखा छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है और यह रेखा दोनों हाथों में होती है। अगर आप इन्हें मिलाकर देखेंगे तो यह आधा चांद का स्वरूप सा बनाती है। यदि यह गुरु व शनि पर्वत के अंत तक साफ रेखा के तौर पर जाते हुए अर्धचंद्र बनाती है तो ये एक शुभ चिन्ह है जो सभी के नहीं बल्कि कुछ लोगों के हाथों में ही बनता है और ये लोग काफी आकर्षक और अच्छे स्वभाव के होते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथों में यह निशान होता है वे इसके प्रभाव के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं और यह सब इनके हाथों में मौजूद आधा चांद का कमाल होता है। मान्यता है कि जिस लोगों के हाथों में आधा चांद बनता है वे लोग हमेशा दूसरों से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं, शायद इसीलिए कि वे यह नहीं चाहते कि इनकी दुख के बारे में किसी और को पता चले और वह भी परेशान हो जाए। वही यह भी माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में यह रेखा इस रूप में मौजूद होती है कि वे अपने जीवन साथी से बेहद प्यार करते हैं और साथ ही ये जिससे भी प्यार करते हैं उन्हें कभी धोखा नहीं देते, यानी उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और उनकी हर जरूरत को, चाहे फिर वह छोटी हो या बड़ी, उसे पूरा करते हैं। जिन लोगों की हथेली पर अधूरा चांद होता है उनका दिमाग बहुत तेज होता है, उनकी मेमोरी का तो कोई जवाब ही नहीं होता। ये वर्षों पहली बातों को भी आसानी से याद रख सकते हैं। अधूरे चांद वाले लोग अपनी दोस्ती के प्रति बहुत अधिक ईमानदार होते हैं और दोस्ती निभाने वाले होते हैं। अधूरे चांद वाले लोग दोस्ती के प्रति ईमानदार होने के साथ साथ जिंदा दिल इंसान भी होते हैं और इन्हें शांति सबसे ज्यादा पसंद होती है। इन्हें शांति पसंद जरूर होती है लेकिन गुस्से के मामले में भी पीछे नहीं होते। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपकी हार्ट लाइन मिलकर आधा चांद बना रही है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। यह आवश्यक नहीं कि हर किसी के हाथ में यह आधा चांद बनता हो। बहुत से लोगों की हाथों की रेखाएं आपस में मिलती ही नहीं है लेकिन इन सभी रेखाओं की अपने ही मतलब होते हैं। जिनकी हथेलियों पर आधा चांद नहीं बनता और सीधी तरह की रेखाएं हैं, यानी कि कम रेखाएं होने के साथ साथ सीधी रेखाएं हैं, तो आप एक शांत रहने वाले इंसान हो सकते हैं और शांति से परिस्थितियों को संभालने की क्षमता भी आप में मौजूद हो सकती है।
अगर दोनों हथेलियों को जोड़ने पर सीधी रेखा बनती है तो व्यक्ति काफी शांत और दयालु होता है। इन्हें हर काम आराम से करना अच्छा लगता है। वैसे कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जिनके हाथों में सीधी रेखा बनती है। हथेलियों को जोड़ने पर अगर ये रेखाएं जुड़ती नहीं हैं और टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लोगों के साथ रहना पसंद होता है। इन लोगों को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे या फिर क्या कहेंगे। ऐसे लोग परवाह लापरवाह भी होते हैं जिन लोगों की दोनों हथेलियां मिलाने पर हृदय रेखा टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो अवश्य बनता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।